देखिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। क्या खाएं, कब खाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही बिजनेस में ध्यान रखा जाता है टाइम का। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो जो भी रेवेन्यू है या फिर जो भी खर्चे हैं उसमें टाइम का ध्यान रखा जाता है कि जो भी रेवेन्यू या खर्चे हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एडजस्टमेंट्स के थ्रू उसको करेक्ट किया जाता है। इसका मेन मोटिव है करेक्ट प्रेजेंटेशन। आज की इस वीडियो में हम कुछ एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पार्ट टू। इसमें सबसे पहले हम डेब्ट के टाइप और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एडजस्टमेंट्स में हम बैड डेब्ट को देखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेब्टर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को देखेंगे। इंटरेस्ट में हम कैपिटल और ड्राइंग के एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। अब देखिए, डेब्ट मेरे तीन तरह के होते हैं, गुड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। अब ये मेरे कस्टमर है जिनको मैंने सामान बेचा है। अब देखिए, मैंने इनको 50,000 रुपये का सामान बेचा जिसमें 5,000 रुपये के कस्टमर ने मुझे बोल दिया कि वो पेमेंट नहीं देंगे। दैट मीन्स ये 5,000 मेरे कन्फर्म है डूब चुके हैं। दैट मीन्स अब मेरे पास जो बैलेंस बचा 45,000, उसमें से भी मुझे लगता है कि 10% कस्टमर ऐसे होंगे जो फाइनली पेमेंट देने से मना कर देंगे। बट ये मुझे लगता है, डाउट है, मैं श्योर नहीं हूं, तो इसलिए इसका मैं पहले से एक प्रोविजन बना लूंगा जिसे मैं नाम दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 10% मैंने मान लिया तो दैट मीन्स 45,000 में से भी मैं 10% रिड्यूस कर रहा हूं। बाकी जो मेरे कस्टमर बचे उनका मैं मानूंगा कि ये कस्टमर या तो मुझे टाइम पर या टाइम से पहले पेमेंट दे देंगे, और ये ऐसा करते रहे इसके लिए मैं इनको एनकरेज करूंगा, कुछ डिस्काउंट दूंगा। तो वो डिस्काउंट भी मेरे लिए खर्चा है, तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करूंगा प्रोविजन के नाम पर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्ट। तो ये कैसे काम करता है, इसके एडजस्टमेंट्स को समझते हैं। पहली एडजस्टमेंट है हमारी बैड डेब्ट। अब देखिए, ये ट्रायल बैलेंस है और ये इसकी एक एडजस्टमेंट है। मेरे डेब्टर थे 26,000 के, उसमें से मेरे को कन्फर्म हो चुका है कि मेरे बैड डेब्ट जो है वो 5,000 के हैं। तो दैट मीन्स यहाँ मैं ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा हूँ 21,000। बट जब मैंने करंट पोजीशन को इवेल्युएट किया तो मुझे पता लगा कि 1,000 रुपये मेरे और डूब गए। दैट मीन्स ये बैड डेब्ट मेरा एडिशनल है, ये अमाउंट अब मैं रिकवर नहीं कर सकता। मुझे पता चला 5,000 नहीं, 1,000 रुपये और डूब गए, तो इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा। ये देखिए मेरा PNL और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैड डेब्ट मेरे लिए खर्चा है इसलिए मैं इसे डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। एडिशनल बैड डेट और हो गए 1,000 रुपये के, वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा एज एन एक्सपेंस। बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में अब मेरा डेप्टर हो जाएगा 20,000 का। ऐसा इसलिए है क्योंकि 21,000 मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, 1,000 रुपये का मुझे पता चला है और बैड डेप्ट हो गया है, तो वो भी मैं रिड्यूस कर दूंगा। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट और डेप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। एक और एंट्री है इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 500 रुपीज की, और इसके एडजस्टमेंट्स में हमें पता चल रहा है कि 5% अब हम प्रोविजन मान के चल रहे हैं। यहां देखिए, दो बार प्रोविजन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब पहले फॉर एग्जाम्पल मंथ की स्टार्टिंग में मैंने एक प्रोविजन बनाया था 500 रुपीज का, बट टाइम बाय टाइम सिचुएशन चेंज होती है, तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो प्रोविजन है वो 5% होना सही है। तो इसके एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, इसके एडजस्टमेंट्स देखिए, बैड डेब्ट मैंने यहाँ रिकॉर्ड करे, एडिशनल बैड डेब्ट जो 1,000 थे वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिए। अब जो मैं प्रोविजन बनाऊंगा वो होगा 1,000। ये 1,000 कैसे कैलकुलेट हुआ, अब देखिए 21,000 के मेरे डेब्टर थे, 1,000 रुपये मेरे और डूब गए 20,000। अब इस 20,000 का 5% मैं मान रहा हूँ फर्दर बैड डेब्ट हो जाएगा, बट ये डाउट में हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखूंगा। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज, बट ये जो मैं पहले मान के चल रहा था इसका कोई रेलिवेंस नहीं हुआ, तो जब भी ये पहले खर्चा होगा तो डेबिट में होगा, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो यहां शो कर दूंगा क्रेडिट में। बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट में देखिए डेप्टर मेरे पहले थे 21,000 के, 1,000 उसमें से बैड डेप्ट हो गए। अब फर्दर जो मैं प्रोविजन लेके चल रहा हूं उसका भी इंपैक्ट मैं एडजस्ट करूंगा, तो मेरे डेप्टर रह जाएंगे 19,000। अब चलते हैं अगली एडजस्टमेंट्स की तरफ। ये मेरे ऐसे डेप्टर हैं जो मुझे टाइम पर या टाइम से पहले पेमेंट करेंगे, तो इनको एनकरेज करने के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब देखिए, गुड डेप्ट मेरे 19,000 है क्योंकि 21,000 में से मेरे 1,000 बैड डेप्ट हो गए, 1,000 में मैं प्रोविजन मान के चल रहा हूँ।
अब ये 19,000 में मैं 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो दैट मीन्स 380 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब ये डिस्काउंट भी मेरे लिए खर्चा है, तो मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड में करूँगा इसको डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर। बैलेंस शीट में अब मेरा डेप्टर रह जाएगा 18,620। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में डेप्टर था 21,000, बैड डेप्ट हुआ, फिर प्रोविजन बनाया, रिमेनिंग बैलेंस जो बचा 19,000 उस पर मैंने डिस्काउंट भी दिया, 380 हो गया। तो फाइनली एडजस्ट करने के बाद बैलेंस मेरा बचा 18,620। और डेबिट कब होना चाहिए, कब क्रेडिट होना चाहिए, अगर उसमें क्लैरिटी चाहते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के नाम से हमने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। ये एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। दैट मीन्स हमें क्रेडिटर ने बता रखा है कि अगर हम टाइम पर पेमेंट कर देंगे तो वो हमें कुछ डिस्काउंट देगा, और हम मान रहे हैं कि टाइम पर हम 50% पेमेंट कर देंगे, तो दैट मीन्स 20,000 का 50% 10,000, उस पर 3% हमें डिस्काउंट मिलेगा, 300 रुपीज़। अब मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, बट अब 10,000 नहीं 9,500 देने हैं, तो जो 500 रुपये है वो मेरी सेविंग हो गई। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, ये मेरी एक तरह की सेविंग है, गेन है, और गेन को मैं क्रेडिट में शो करूंगा पीएनएल अकाउंट में। बैलेंस शीट में जो मेरा क्रेडिटर है वो हो जाएगा 19,700। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे 300 का डिस्काउंट मिल गया। अब चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अब ये एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया क्यों जाता है। अब देखिए, ये पार्टनर्स की कैपिटल है ए और बी। ए ने लगाए 50,000, बी ने लगाए 10,000। दैट मीन्स ए बहुत ज़्यादा पैसे लेके आया है, बट बी जो है वो एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, तो बी कह रहा है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, इसलिए जो प्रॉफिट है हम 50-50 बांटेंगे। तो इससे ए जो है वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि पैसे तो मैं 5 गुना दे रहा हूँ बट प्रॉफिट इक्वल मिल रहा है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए पहले डिस्कस किया जाएगा कि ठीक है प्रॉफिट हम आधा आधा बांटेंगे, बट जो कैपिटल है उस पर पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, ताकि जो कैपिटल ज़्यादा लेके आया है उसको डिस्करेज फील ना हो। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब ये कैसे एडजस्ट किया जाएगा, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा डिसअलाउ है, 12% से ज़्यादा आप लीगली नहीं दे सकते। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, ये हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट में आएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है, 50,000 रुपये आपके बैंक में थे, बैंक ने इंटरेस्ट दिया 1,000 रुपये का, तो अब 51,000 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट, आपकी कैपिटल थी 50,000 की, यहाँ 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गए, तो अब 51,000 की आपकी कैपिटल हो गई। अब चलते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट मीन्स जैसे ये पार्टनर है, पार्टनर ए, इसने बिजनेस से पैसे निकाले 5,000 रुपये, ये इसने प्रॉफिट नहीं निकाला, ये पैसे निकाले हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल खर्चों के लिए। तो ये एक तरह का इसने लोन लिया है बिजनेस से, जिस पर ये इंटरेस्ट देगा, तो बिजनेस को अब इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स बिजनेस की इनकम है, तो पीएनएल में ये बिजनेस की इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट शो करेंगे, और जो पार्टनर है उसकी कैपिटल में से इस इंटरेस्ट को एडजस्ट कर देंगे, दैट मीन्स 50,000 -500। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट की जाती है। ONS स्टडी सर्कल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।